लक्ष्मीर्वदेन्यम् वहितं परेशं सुखं परेशां वदतं वरेण्यम् आचिन्त्यम वदनं भवतं स्वीयं मम पूर्णरूपम परं महितं स्वीयै च। कार्तिक कृष्ण पक्ष की इस अमावस्या को सही अर्थों में देखा जाए तो महारात्रि के शब्द से संबोधित किया गया है, इसलिए कि यह पर्व केवल वर्ष में एक बार आता है। अन्य पर्व भगवती जगदम्बा के लिए तो चैत्र मास में और आश्विन मास में दो पर्व आते हैं, भगवान शिव के लिए भी फाल्गुन मास में और श्रावण मास में पर्व आते हैं, पर लक्ष्मी से संबंधित तो केवल एक ही दिन और यदि सही अर्थों में देखा जाए तो केवल एक रात्रि ही गृहस्थ लोगों को प्राप्त होती है। यदि उस रात्रि का भी उपयोग कर लेते हैं साधना के क्षेत्र में तो निश्चय ही पूरा वर्ष उनके लिए आर्थिक दृष्टि से और सौभाग्य की दृष्टि से मंगलमय उन्नतिदायक बना रहता है। यह पर्व और लक्ष्मी पर्व का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल हम 100 या 2000, 10000, 50000 रुपए कमा लें। लक्ष्मी का तात्पर्य रुपए पैसे से नहीं है, लक्ष्मी का तात्पर्य है जीवन की पूर्ण उन्नति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति, उसको लक्ष्मी कहा गया है। सा सहितम वरितम वदेन्य वरितम स लक्ष्मी पूर्णत्वदम। जीवन में जो भी हमारी न्यूनताएं हों, जो मेरी कमियां हों, जिस वजह से हम दुखी और परेशान हो, चाहे वो रोग हो, चाहे आर्थिक तकलीफ हो, चाहे पारिवारिक परेशानी हो, चाहे और किसी प्रकार की व्याधि और देव बाधा या पितृ बाधा या मनुष्य बाधा हो, चाहे शत्रु हो, चाहे और किसी प्रकार की समस्या हो, उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए इस महारात्रि को प्रयोग में लिया गया है। इसके कई रूप हैं, कई प्रकार से इन साधनाओं का संपन्न किया जाता है, मगर विश्वामित्र ने अपने एक श्लोक में अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूरे वर्ष भर भले ही हम लक्ष्मी की साधना नहीं करें तो कोई जरूरी नहीं है, यदि पूरे वर्ष भर हम लक्ष्मी की आराधना नहीं करें तब भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वामित्र ने अपने श्लोक में कहा है कि अगर दीपावली की रात्रि को भी हम पूरी रात्रि पूजन नहीं करें तब भी कोई जरूरत नहीं है, मगर यदि इस पूरी रात्रि में एक विशेष क्षण, विशेष समय, उस विशेष समय में यदि लक्ष्मी से संबंधित प्रयोग संपन्न कर लिया जाता है तो वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हजार वर्षों की साधना से भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए कि यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो तो ज्योतिष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है कि वर्ष में केवल एक बार, क्योंकि सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु ये सभी ग्रह और मनुष्य जीवन का और मनुष्य का सारा जीवन इन ग्रहों से संचालित है। आप, मैं नहीं जानता कि आप इस बात को कितना समझ सकते हैं कितना नहीं समझ सकते हैं, या आपने ज्योतिष का अध्ययन किया है या नहीं किया है, या आपको कोई अच्छा ज्योतिषी मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि अच्छा ज्योतिर्विद मिलना भी भाग्य की बात होती है और उसको स्वयं को ज्ञान हो यह भी एक विशेष बात होती है, मगर इन ग्रहों का अध्ययन अपने आप में ज्योतिष नहीं कहलाता। ज्योतिष इस बात को भी नहीं कहता कि 12 राशियां कौन सी होती हैं, किन राशि में कौन सा ग्रह है, इसको भी ज्योतिष नहीं कहते। ज्योतिष का सूक्ष्म अध्ययन इन ग्रहों से भी सूक्ष्म में नक्षत्र पद्धति है। प्रत्येक राशि 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मत्स्य आद्रा पुनर्वसु, और हमारा प्रत्येक राशि उन नक्षत्रों से संचालित है। यानी अश्विनी नक्षत्र अश्विनी राशि है तो, या मेष राशि है
तो अश्विनी भरणी कृतिकायाम पाय मेष, अश्विनी भरणी और कृतिका का एक चरण मेष राशि कहलाता है, यानी अश्विनी के चार चरण, भरणी के चार चरण और कृतिका का एक चरण, इन नौ चरणों को मिला करके एक राशि बनती है। इसी प्रकार 12 राशियों में प्रत्येक राशि में नौ नौ चरण होते हैं। इसका मतलब वह राशि से सूक्ष्म नक्षत्र, नक्षत्र से भी सूक्ष्म है उसके चरण, और चरण से भी सूक्ष्म अगर जाएं तो नाड़ी विज्ञान कहलाता है, ज्योतिष का एक मूल पद्धति है नाड़ी विज्ञान। नाड़ी के माध्यम से अंत नाड़ी, मध्य नाड़ी और सूक्ष्म नाड़ी, और एक चरण के वापिस उन्होंने 24 हिस्से किए हैं, या यूं कहा जाए कि एक घंटा, एक घंटे के 60 हिस्से कर दिए तो एक मिनट, एक मिनट के 60 हिस्से कर दिए तो सेकंड, सेकंड के 60 हिस्से कर दिए तो पल, पल के 60 हिस्से कर दिए तो विपल, और विपल के 60 हिस्से कर दिए तो क्षण। यानी एक सेकंड का 10,000वां हिस्सा क्षण कहलाता है। उन क्षणों पर किस समय कौन सा ग्रह संचालित होता है, इसको नाड़ी साधना कही जाती है, या नाड़ी के माध्यम से उन ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। तो विश्वामित्र ने अपने श्लोक में कहा है कि केवल वर्ष में एक बार एक नाड़ी पर पूरे ग्रह आ जाते हैं, यानी ग्रह संचालित होते होते एक स्टेज ऐसी आती है जैसे जिस दिन ग्रहण होता है तो ग्रहण में सूर्य और चंद्र दोनों एक ही नाड़ी पर आ जाते हैं, और जब एक नाड़ी पर आते हैं तो चंद्रमा को सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती, तो एक ग्रहण सा योग बन जाता है। उसी प्रकार सभी नक्षत्र जब एक राशि पर आ जाए, एक नाड़ी पर आ जाए, उस समय अगर लक्ष्मी की साधना की जाए, या उस समय जो भी अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाए, तो निश्चय ही कार्य सिद्धि होती ही है, क्योंकि समय अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालो यजम वदा निर्वाच लक्ष्मी, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए काल की साधना अत्यंत आवश्यक है, और काल का मतलब है समय, क्षण, मुहूर्त। इसलिए हमारे शास्त्र में वृषभ लग्न का या सिंह लग्न की या इस दीपावली की रात्रि का महत्व दिया गया है। दीपावली की रात्रि को जगदम्बा की साधना होती नहीं, नवरात्रि में लक्ष्मी की साधना होती नहीं, अगर फाल्गुन मास में शिवरात्रि होती तो शिव की पूजा होती, विष्णु की पूजा नहीं होती। तो इसका मतलब है प्रत्येक दिन एक विशेष देवता के लिए नियुक्त है, और नियुक्त इसलिए है कि उस दिन उस देवता का निवास स्थान या प्रभाव व्याप्त होता ही है इस समाज में, इस देश में, इस वातावरण में। ये अलग बात है कि हम समझ सकें या नहीं समझ सकें। इसमें भी तुम्हारे सामने और भी कुछ ऋषि बैठे हों यहाँ पर, अगर आपकी आंखें उनको नहीं देख पाए तो नहीं देख पाएंगी। आपकी आंखों में उतनी ताकत, उतनी क्षमता साधना के माध्यम से आ सकती है, साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, उस समय आप देखेंगे कि आपके अलावा मेरे आसन के पास में कोई और सज्जन बैठे हैं, वे आपको देख रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे। इसलिए उनको ऋषि जीवन कहा गया है, पितृ जीवन कहा गया है। हम श्राद्ध करते हैं, पितरों को बुलाते हैं, और इस मान्यता है कि पितर आते हैं, हमारे पूर्व जाते हैं, पिता दादा आते हैं, भोजन करते हैं, चले जाते हैं। मगर ये केवल श्रद्धा और विश्वास की बात नहीं है, ये साइंटिफिक बात है, ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये चिंतन स्पष्ट है। यदि मैं देख सकता हूं फिर आप भी देख सकते हैं। यदि इसका मतलब अगर आप में से किसी को राइफल चलानी आती है, पिस्तौल चलानी आती है, और निशाना बिल्कुल सही लगा देते हैं, मैं लगाऊंगा तो नहीं निशान लगेगा, इसका मतलब आपने उसमें अभ्यास किया है, इसलिए बिल्कुल सही निशाना लगा देते हैं, और मैं नहीं लगा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं मनुष्य नहीं हूं, मुझमें उतना ज्ञान नहीं है जितना उस व्यक्ति में ज्ञान है जिसने पिस्तौल लगाने का अभ्यास किया है, और मुझे इस बात का ज्ञान है कि यहाँ कौन बैठा है, इसके साथ में मैंने की है, आपने नहीं की। मगर जिस दिन आप साधना कर लेंगे आप भी इनको देख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आज के दिन भगवती लक्ष्मी निरंतर आवास होती ही है, मगर ये आवश्यक है कुछ विशेष क्षण में, क्योंकि जो वृषभ लग्न कहा गया है वो एक लग्न तो 2 घंटे 40 मिनट का होता है, 2.5 घंटे का होता है, तो 2.5 घंटे तो अपने आप में बहुत स्थूल चीज है, सूक्ष्म चीज में जाने की जरूरत है। ज्योतिष का मतलब है अत्यंत सूक्ष्म। मैंने आपको उदाहरण दिया कि घंटा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म मिनट है, अगर उससे भी ज्यादा सूक्ष्म जाए तो सेकंड है, सेकंड से भी सूक्ष्म जाए तो पल है, फिर विपल है, फिर क्षण है। उस क्षण विशेष को नाड़ी कहा गया है। उस नाड़ी विशेष में जिस टाइम पर सभी ग्रह एक ही नाड़ी पर आए, उस समय हम कोई भी साधना करें, कोई भी चिंतन करें, तो निश्चय ही उस कार्य में सफलता सिद्धि प्राप्त होती ही है। इसलिए आज मैंने आपको जो यहां बिठाया है, इसके पीछे कोई ऐसा मेरा मकसद नहीं है कि मैं आपको फालतू 1 घंटे पर यहां आपका समय बर्बाद करूं।
मुझे मालूम आप घर छोड़ करके जो जोधपुर में रहते हैं वो भी आए हैं, और मैंने घंटे भर तक आपके भजन कीर्तन करवाया, उसके बाद में मंत्र जाप करवाया। उसके पीछे मेरा मतलब था कि वह एक विशेष क्षण आ जाए जिस क्षण विशेष में मैं आपको मंत्र प्रयोग करवा दूं या उस क्षण विशेष में लक्ष्मी का आह्वान कर दूं, जिससे कि आपके जीवन की जो आवश्यकता है वे आपके जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति हो। ये आवश्यक हो कि आपके जीवन में जिस वस्तु की कामना हो, जैसी कामना हो, जैसी इच्छा हो, वह पूर्ति हो ही, गारंटी के साथ निश्चित रूप से हो, उसको गुरु कहते हैं, उसको साथ में कहते हैं। और आज मैं उसी विशेष क्षण की इंतजार में हूं, जिस क्षण विशेष में मैं आपको प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। आपने यहां बैठकर के भगवती लक्ष्मी का पूजन प्रयोग संपन्न किया है, और आप जो भी पूजन करें, जो भी प्रयोग करें, पूर्ण श्रद्धा के साथ में करें। श्रद्धा आपकी एक आधारभूत तथ्य है, विश्वास आपका आधारभूत तथ्य है। यदि विश्वास नहीं है, अगर पति को अपनी पत्नी में विश्वास नहीं है, तो पूरा जीवन ग्रह कलह बना रहेगा, उसमें शांति प्रेम स्नेह नहीं बन सकता। विश्वास होना चाहिए पत्नी को भी अपने पति पर, पति को अपनी पत्नी पर विश्वास होना चाहिए, तो गृहस्थ जीवन बिल्कुल संचालित होगा ढंग से। आपको लक्ष्मी पर विश्वास होना चाहिए, लक्ष्मी को भी आप पर विश्वास होना चाहिए, उनको भी विश्वास होना चाहिए, सत्पात्र है, सुपात्र है, मेरी आराधना करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा विचार करता है। हम यदि हमारे यहाँ मेहमान आ जाता है तो हम एक बड़े बड़े प्रेम से स्नेह से डाइनिंग रूम में बिठाते हैं, उनको कहते हैं आइए वेलकम बैठिए, उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। सब क्या है, क्यों हम चाय लाते हैं, क्यों मिठाई उनके सामने रखते हैं, क्यों नमकीन रखते हैं? क्योंकि हम उसकी अभ्यर्थना करते हैं, उनको सत्कार देते हैं, उसको स्नेह देते हैं, उनको अपनत्व देते हैं, उनके प्रति अपना हृदय हार्दिक अपनत्व अनुभव करते हैं। ठीक वैसा ही अपनत्व लक्ष्मी के प्रति भी हमारा होना चाहिए। केवल कुमकुम अबीर गुलाल फेंकने से काम नहीं चलेगा, उनको एहसास होना चाहिए कि यह साक्षात लक्ष्मी है। और आज के दिन भी अगर दीपावली की रात्रि को भी हम लक्ष्मी को अपने हृदय में स्थापन नहीं कर पाएंगे तो जीवन में तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ है। तब तो ठीक है कि तुम चार छह रोटियां खा लो और 100, 200, 1000, 10000, 1,00,000, 2,00,000 कमा लो, उसे जीवन में आनंद नहीं मिल सकता। 5,00,000 रुपए मिलने से और घर में 1,00,000 रुपया होने से जीवन में सुख नहीं मिल सकता। सुख मिल सकता है जब जीवन की सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो। तुम्हारे पास 10,00,000 रुपए हो और घर में बेटा हो ही नहीं, तुम्हारे पुत्र नहीं हो, तो 10,00,000 रुपए व्यर्थ है तुम्हारे। हर समय तुम्हारे मन में कचोट रहेगा कि पैसा तो है पर मेरे बाद कौन श्राद्ध करेगा, पान देने वाला भी कोई नहीं है, ये रुपए कौन खाएगा, बेकार रुपए से क्या फायदा होगा। वो 10,00,000 रुपए भी तुम्हें नींद नहीं लेने देगा। और अगर तुम्हारे 7 बेटे हैं और तुम्हारे पास 5 पैसे भी नहीं है, तभी तुम दुखी हो कि बेटे इतने हैं, 7-7 पैदा तो हो गए, इनको मैं क्या खिलाऊंगा, कैसे मेरा जीवन चलेगा, भगवान क्या मेरी परीक्षा ले रहा है, तभी आप दुखी। अगर आपके घर में पत्नी है, सुपात्र नहीं, तभी आप दुखी। जीवन में सभी सुख मिलने चाहिए, और सभी सुखों के लिए भर्तृहरि ने बहुत एक सुंदर बात कही है, सानंदम सदनम सुतास्तय कांता मनोहारिणी सन मित्रम सुधनम सोयोषित्रति सेवा रता सेवका आतिथ्यम ग्रह पूजनम प्रदिनम मिष्टान्न पानम ग्रहे साधो संगोपासना च सत्तम धन्यो गृहस्थाश्रम। उनका कि सानंदम सदनम, हम जीवन में पूर्णता दीपावली की रात्रि को क्या मांगे, लक्ष्मी से क्या मांगे? आप मांगते हैं कि लक्ष्मी मुझे धन दे, मैं कहता हूं धन से तो कुछ होगा ही नहीं, धन तो कई लोगों के पास में धन है और बहुत दुखी है, हमसे ज्यादा दुखी है। जो झुग्गी झोंपड़ी में रहता है वो फिर भी रात को नींद लेता है 8 घंटे, वो तो एक आधे घंटे में नींद नहीं ले पाते। धन से नींद नहीं खरीदी जा सकती। अगर तुम 2,00,000 रुपए दुकानदार को दे दो कि 2,00,000 रुपए ले रहे मुझे आज 8 घंटे नींद आनी चाहिए, तो ये नहीं बिकती चीज, ये नहीं मिल सकती, धन से वो चीज नहीं मिलती। धन से एकदम से तुम चाहो कि मैं बीमारी मिट जाए, डायबिटीज मिट जाए, ब्लड प्रेशर मिट जाए, धन से नहीं मिट सकता। 5,00,000 रुपए खर्च करके भी डायबिटीज आप नहीं मिटा सकते, ब्लड प्रेशर मिटा ही नहीं सकते। धन से आपको आनंद नहीं मिल सकता। यदि आपके पास 10,00,000 रुपए हो और आप मस्ती के साथ रहना चाहें तो नहीं रह सकते, असल में टेंस रहेगा, साला पैसा है यहाँ रखें तो गड़बड़, रिश्तेदार के यहाँ रखें तो गड़बड़, घर में आएगा तो कोई चोर आ जाएगा तो मुश्किल, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम आ जाएगी तो मुश्किल, क्या खा सकते नहीं, बीमारियां इतनी है, डायबिटीज ब्लड प्रेशर है, ये आप खा नहीं सकते, कुछ कर सकते नहीं, पैसे की रखवाली आप कर सकते, दूसरों को रख नहीं सकते। धन से आनंद नहीं मिल सकता, धन से भूख भी नहीं मिल सकती। मतलब आप चाहें कि बिल्कुल ऐसी भूख लगे
कि मैं 8-10 रोटियां दाल मसूर के खा लूं, आप नहीं खा सकते। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, एक श्याम सुंदर जी केजरीवाल थे जयपुर के अरबपति, मतलब उनके घर में कम से 80 एम्बेसडर कारें थी, मैंने अपनी आंखों से देखी बात कह रहा हूं। और दूध लेने जा रहा था, एक गाड़ी कार लेके जा रहा है, कोई कुछ सामान लेने जा रहा है, कभी कोई गाड़ी चल रही है, बस घर में व्यापार वगैरह बहुत। जयपुर के रहने वाले बीमार पड़े, लड़की की शादी आई, तो उन्होंने कहा गुरुजी आपको आना है लड़की की शादी में, आप आते नहीं, 2 साल हो गए आप आए नहीं है। मैं भी जयपुर जा नहीं पाया था, वो बहुत सीरियस हो गए, इधर लड़की की शादी, इधर वो खुद बीमार पड़ गए, उनकी उम्र होगी करीब 60-65 साल। जब मालूम पड़ा बहुत ज्यादा बीमार है, तो फिर मैं गया तो मुझे देखा, तो उन्होंने ऐसा लगा उनको कि शायद मैं चला जाऊंगा, कल लड़की की शादी है घर में, तो मंगल काम में लोग आ रहे हैं, बराती आ रहे हैं, और मैं अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मगर मैं जीवन में कुछ कर नहीं सका, उनके मन में दुख ये था। तो उन्होंने बेटों को पोतों को बहुओं का, तुम कमरे के बाहर चले जाओ, मैं गुरुजी से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बाहर चले गए, मैं बैठा तो मेरे हाथ को हाथ में पकड़ लिया और रोने लगे उनके गुरुजी, ये अरबों रुपए मेरे क्या काम के बताइए, क्या काम के, ये नौकर बैठे बैठे मिठाइयां खाते रहते हैं, मैं टुकड़ टुकड़ देखता रहता, मैं खा ही, मतलब बहुत इच्छा होती है कि मैं भी एक पीस खाऊं, डॉक्टर हाथ पकड़ लेते नहीं तुम नहीं खा सकते, ब्रेड बटर लगा के मैं नहीं खा सकता। गुरु जी क्या मेरी जिंदगी है, क्या मैं इस जिंदगी के लिए इतनी मेहनत की थी, इतना कमाया, इस जिंदगी में सुख तो है ही नहीं, तनाव के अलावा कुछ मिला ही नहीं मुझे। तो मैंने पूछा उनका, केजरीवाल जी बस ये बताइए कि आपको इच्छा क्या है। उन्होंने 2 मिनट सोचा, आप कुछ दे सकते हो तो फिर मैं बोलूं, मैं कहा मेरी सामर्थ्य होगी तो मैं जरूर आपको दूंगा, आप बताइए कि आपकी अब अंतिम इच्छा है, आप तो मृत्यु के निकट है, आपकी इच्छा क्या है। ये मेरी जिंदा रहने की इच्छा नहीं है, ठीक है 2-4-10 दिन जिंदा रहूं, कल लड़की की शादी हो जाए, मैं विदा कर दूं तो 2-4 दिन तो चाहता हूं, मगर मेरी इच्छा गुरु जी ये है कि मैं एक बार थाली पे बैठूं, 8-10 रोटियां दाल में चूर के खा लूं और पच जाए, ऐसा चाहता हूं। ऐसा कब होगा जिंदगी में, अब बताइए। इस करोड़पति के मन में केवल ये अवश्य ये इच्छा, तो पैसों से भूख नहीं खरीद सकता आदमी, पैसों से आनंद नहीं खरीद सकता, पैसों से कुछ नहीं हो सकता, पैसों से केवल दुख व्याप्त होता है, पैसे पास में है तो दुख है, नहीं है तो दुख है। इसलिए लक्ष्मी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, भर्तृ कह रहे हैं आनंदम सदनम, आनंददायक घर हो, ऐसा घर हो कि जाते ही प्रसन्नता व्याप्त हो, मस्ती हो। ऐसा नहीं कि आप जो ही घर में घुसे, जो ही आपकी पत्नी सीधा झपट्टा मारे, 8 बजे आया था, 5 बजे छुट्टी हो गई थी, उसके साथ कहां नरक में आ गया वो, फट दो पैर पीछे, ऐसा घर नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि घर हो बिल्कुल, घर में जाए पत्नी बिचारी इंतजार करती हो, पत्नी देख घर में घुसे पत्नी खाट पे पड़ी हुई, क्या हुआ भाई, बहुत दुखी, और दुखी तो मैं तो खुद दुखी होके आया हूँ दिन भर अगोला करके, अब कमर में दर्द है, आ तेरे बेटे ने ऐसा कह दिया, बहू साली उधर बोल रही है, ऐसा कभी नहीं। सानंदम, आनंददायक घर बहुत भाग्यवान लोगों को ही मिल सकता है, हरेक को नहीं मिल सकता, घर तो हरेक है, सानंद नहीं है। सानंदम सदनम सुथास्थ सुदय, और बेटे हों एक बात, सुदय बुद्धिमान हो, आज्ञाकारी है, बेटे होना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात नहीं है, बेटे तो शुक्र के भी होते हैं, कुत्तों के भी होते हैं, बेटे होना तो बहुत बड़ी बहुत महान घटना नहीं है, मगर वे हमारे आज्ञाकारी हों, हमारे अनुरूप चले, ऐसा होना चाहिए। सानंदम सदनम सुदास सुदय कांता मनोहारिणी, पत्नी हो और मेरे मन की बात समझती हो, मेरे सुख दुख में सहायक हो, मैं कोई बात करूं वो अपना ही रोना रोती रहे, तुम्हारे पास में आई पल्ला कुछ किया नहीं, शादी करने के बाद कुछ सुख मिला नहीं, कहीं तुम ले गए नहीं, हरिद्वार ले गए नहीं, ये किया नहीं, दुखी हो गई, हे भगवान ऐसा पति किसी को नहीं मिले, 24 घंटे वो एक ही भाषण उनका टैप चलता ही रहे। आज सोचो थोड़ा क्या और, इससे कुंवर ज्यादा अच्छे थे, कम से कम ये हेडक तो नहीं थी, इसलिए वो कहा भर्तृहरि ने कांता मनोहारी। सन मित्रम, चौथी बात, अच्छे मित्र होने चाहिए। सुधनम, इतना अधिक धन हो कि तकलीफ नहीं है, सुयोषित रति, और खुद का शरीर इतना सुंदर आकर्षक हो कि अपने आप को हम देख मोहित हो सके, दूसरों को प्रभावित कर सके, ये सब कुछ तो है, तुम्हारे पास पैसा भी है, पत्नी भी है, बेटे भी है, तुम खुद ऐसे टूटे हुए टुकड़े हुए एकदम से हड्डियां निकली हुई गाल पिचके हुए, तुम्हें देखने की इच्छा नहीं हो, ऐसा उसे क्या होगा,
वो सोचे साला ये पैसा मेरे क्या काम का, ये कितना बांका जवान है साला, मेरे क्या हो गया। वो खुद रोता रहेगा बैठ बैठ, मगर ये भी कुछ नहीं, ये सब कुछ है मगर सुयोजित रहती। अपने आप में बहुत भव्य चेहरा होना चाहिए, पर्सनलिटी होनी चाहिए, देखने वाला एक एहसास कर सके कोई चीज है, किसी सामने हम खड़े हैं, बात करने की एक बार बात करें तो चार बार बात करने की इच्छा हो। सेवा अर्थ सेवका, और नौकर हो सेवा रथ हो, पैसे हड़पने वाले नहीं है, आज्ञाकारी। सन्मित्रम सुजनम सोयोसित रति सेवार्ता सेका, आतिथ्यम ग्रह पूजनम, निरंतर घर में अतिथि आते हो, मेहमान आते हो। भक्त ने कहा कि जो अकेला भोजन करता है वो भूत भोजन होता है, प्रेत भोजन होता है, जो कोई अतिथि आए उसके साथ भोजन करे वो उत्तम भोजन कहलाता है। आतिथ्यम ग्रह पूजनम प्रदनम मिष्ठान्न पानम ग्रहे, और घर में अच्छा भोजन बने, मीठा भोजन बने, हलवा बने, दूसरा बने, पूरी बने, सब्जी बने, ऐसा रोता हुआ भोजन नहीं बने, बस वो एक ही दाल रोटी, बस 24 घंटे वो एक ही सुबह शाम दाल रोटी, ऐसा नहीं। आतिथ्यम ग्रह पूजन मिष्ठान्न पानम ग्रहे, साधुओं संग उपासना, फिर साधुओं के सत्संग हो, मंदिर जाए, देवताओं की उपासना हो हमारे जीवन में, सुबह शाम पूजा कर सके, धन्यो गृहस्थाश्रम, ये सब कुछ है तो गृहस्थ जीवन। अगर इनमें एक भी चीज कमी है तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन अनुकूल नहीं बन सकता है। और लक्ष्मी की इस रात्रि में ये सब चीजें एक साथ प्राप्त करने की जरूरत है। कोई एक चीज प्राप्त कर लेंगे तो जीवन अनुकूल नहीं बन सकता, जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती, जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए मैंने जो आपको यहां बुठाया है, इसके पीछे मेरा मंथन, मेरा चिंतन, विचार, धारणा, ध्यान यह है कि मैं आपको उस पूर्ण लक्ष्मी का प्रयोग संपन्न कराऊं जिसमें ये सभी चीजें अनुकूल हो। केवल एक ही वस्तु रुपए पैसे नोट से जीवन नहीं चल सकता, वह तो एक माध्यम है, धन भी होना चाहिए, उसने कहा सुधनम, धन होना चाहिए मगर आनंददायक घर भी होना चाहिए, पत्नी भी सुरक्षित होनी चाहिए, और यदि कुछ गड़बड़ है तो वह अनुकूल बन जाए, यदि जीवन में कुछ न्यूनता है तो पूर्णता प्राप्त हो, और यह पूर्णता केवल लक्ष्मी के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसलिए लक्ष्मी को अन्नमयी लक्ष्मी कहा गया है, धरा लक्ष्मी कहा गया है, धन लक्ष्मी कहा गया है, वाहन लक्ष्मी कहा गया है, पुत्र लक्ष्मी कहा गया है, पौत्र लक्ष्मी कहा गया है, पत्नी लक्ष्मी कहा गया है। या देवीश्वर भूतेश्वर पत्नी रूपेण संता, वो हमारी लक्ष्मी पत्नी बनकर के हमारे घर में आए। पत्नी बनकर के आए का मतलब है कि ये लक्ष्मी मेरी पत्नी को अक्ल दे, थोड़ी बुद्धि दे, थोड़ी उसको बात करने की तरीका सिखाए, उसको जो एकदम हिडिंबा राक्षसी दिखती है थोड़ी ठीक बने, ये आराधना की। ऐसा जीवन में जब पत्नी की बात कर रहा हूँ, पति के भी होना चाहिए, पति भी योग्य होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, घर में सुख दुख की ध्यान रखना होना चाहिए, ये सब कुछ एक संतुलित जीवन होना चाहिए। इसीलिए जो आज उपयोग करवा रहा हूं उसके पीछे दो मंत्र है। एक तो ये है कि उस विशेष क्षण में मैं आपको वह प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, और दूसरा लक्ष्मी का ये सारे स्वरूप आपके जीवन में प्राप्त हो सके, ये सारी स्थितियां एक साथ प्राप्त हो सके जो तुम्हारे जीवन में कमियां हों। पूर्ण व्यक्तित्व की है ही नहीं, बहुत सौभाग्यशाली 1000 करोड़ में से एक आध, 1 लाख में से एक आध होता है जिसके जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता होती है। सभी दृष्टियों से पूर्णता तो भाग्य से या तपस्या से या साधना से ही प्राप्त हो सकती है। जिसका आध्यात्मिक जीवन है उसके जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त हो सकती है। वो अपने आप में एक अत्यंत मेधावी, योग्य, बुद्धिमान एक व्यक्तित्व बनता है, और ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी यदि जीवन में बन सके, ऐसा ग्रस्त जीवन बन सके, ऐसे जीवन में प्रभु की उपासना बन सके, ऐसे जीवन में ईश्वर का चिंतन बन सके, ऐसे जीवन में प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो सके, और मैं कहूं कि उससे भी बड़ी बात कि हम अपनी आंखों से उन देवताओं के दर्शन कर सके। अगर मनुष्य जीवन में आए और उन देवताओं का दर्शन नहीं कर सके तो जीवन का अर्थ क्या है, क्या मकसद है? ऐसा तो स्वांग जीवन तो अजय जी लेता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जिंदा रहना चाहें नहीं रहना चाहें आपकी मजबूरी है, उसमें आनंद नहीं है। रोते जीते जिंदगी बिता देने को विशेषता नहीं कहते। जिंदगी तो आज क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप जीवन अंतिम क्षण तक कैसे थे ये विशेष है। ऐसे मैंने 1000 लोग देखे हैं, सेठ सांगीदास जी बंबई के अरबपति, और मैंने देखा 1952 में, आज की बात नहीं, आज से 30-35-40 साल पहले, 1952 में अरबपति व्यक्ति जब इंग्लैंड में गए तो पूरे जहाज में उन्होंने कम से कम 100 ड्रम गंगा जल के भरवा करके लेके गए कि गंगा जल पियेंगे, और पूरे नौकर चाकर फौज लेके गए,
मैं इनको आंखों से देखा हुआ सेठ संगदास, उनका लड़का यहीं पर है, बाबू नाम है, और भिखारी है, आज उसको डबल रोटी दे तो खाना खा सकता है। मैं उन संगदास की बात कर रहा हूं। इंग्लैंड में गए तो उन्होंने लंदन में सामने बहुत बड़ी होटल थी, वो होटल में ठहरे और पूछा कि इस होटल के मालिक कौन। उन्होंने कहा कि मिस्टर ह्यूम को बुलाया कि आप होटल के मालिक हैं। तो उनका अच्छा मिस्टर ह्यूम होटल तुम्हारी कितने पैसों की है। तो उसके मुंह से निकल गया कि $50 लाख की। उन्होंने फट चेक काट लिया, $50 लाख, जाओ होटल छोड़ो, होटल में रहे। हम किसी किराए के होटल में नहीं रहते, अपने होटल में रहते। होटल थी $20 लाख की, उसने मुंह से निकला $50 लाख चेक काट लिया। होटल में रहे 3 महीने तक रहे, अपनी पत्नी और सब, उसको ना ब्राह्मण। जब रवाना हुए तो एक बैरे पे खुश होकर बैरे को होटल देकर वापस आ गए। मैंने उसका वो जीवन भी देखा है सांगीदास जी का, और मैंने उनका वो भी जीवन देखा है कि उन्होंने बांद्रा पर, दिल्ली में, बंबई में बांद्रा पर फुटपाथ पर पड़े पड़े रोटियां खाते हुए देखा है। उनके दोनों रूपों को मैंने देखा। उनकी बुढ़ापा इतना दुख में बीता कि 4 बेटों ने कभी उनकी सेवा नहीं की, उनको पूछा नहीं, और कोई डब्लू टी डाल देता तो खा लेता, और बिल्कुल अनाथ जो दवा खाना था उसे दवा लेकर के आ रहे थे और फुटपाथ पे पड़कर मर गए और खत्म हो। आज आपके यहां ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके जीवन का अंतिम क्षण तक आप कैसे रहे ये महत्वपूर्ण है, इस बात को भी सोचना चाहिए। और हमारा अंतिम क्षण तक हमारा सुखमय हो, आनंददायक हो, महत्वपूर्ण हो, कोई रोग नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, शरीर अंग भंग नहीं हो, यह सब कुछ प्राप्त गुरु सेवा से, ये सब कुछ प्राप्त ईश्वर की सेवा से, ये सब कुछ प्राप्त भगवती लक्ष्मी की सेवा से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मैं आज आपको जो प्रयोग करवाने जा रहा हूं, सामान्य लक्ष्मी पूजन के लिए नहीं कर रहा हूं, अबीर गुलाल पुष्प चढ़ाने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, वह तो एक आराधना है। आप किसी मेहमान को आकर के मेहमान को पेड़े खिलाने से मेहमान खुश नहीं हो जाएगा, आप उसको कितना अटैचमेंट देते हैं, कितना प्यार देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यदि आप मतलब आए और मेहमान आया और जबरदस्ती पेड़ा लिया और रख दिया, लो खाइए, तो नहीं खाएगा, और खाएगा भी तो उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी, और आप भी वो दीजिए एकदम आगे फूल फेंक देख ले और कुंकू और आ जाना, ऐसे लक्ष्मी नहीं आएगी। घर की पत्नी भी नहीं बोलेगी ढंग से, ये तो लक्ष्मी। इसलिए हमारा सारा चिंतन हृदय से हम जुड़े तो भगवती लक्ष्मी से, मैं उसी प्रयोग को संपन्न करवाने जा रहा हूं। आप सीधे बैठ जाएं, मैं प्रयोग करवा रहा हूं आपको। ये तो बता रहा था कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, ये बता रहा था कि आपको अपने जीवन में गुरु की जरूरत क्यों है, कौन समझाएगा कि लक्ष्मी का अर्थ क्या है, कौन समझाएगा कि ये मंत्र क्या है, कौन समझाएगा कि लक्ष्मी को बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात करें, ठीक उसी प्रकार से हम लक्ष्मी से बातचीत करें। ऐसा जीवन में क्षण आने चाहिए, ऐसी साधना आनी चाहिए, ऐसा है तो जीवन है। बाकी मामूली घटिया जीवन जीने से कोई मतलब है ही नहीं। मैं तो हजार बार अपने शिष्यों को यह कहता हूं कि ऐसा जीवन नहीं जिए, जिए तो एकदम आग के लपक की तरह जिए, लोग देखें कि कुछ जीवन है, घिसा पिटा जीवन जीने से कोई मतलब है ही नहीं। और जो समस्याएं ग्रस्त की आपके सामने, मेरे सामने कोई समस्या, आप ग्रस्त मैं भी ग्रस्त, आपकी पत्नी मेरी भी पत्नी है, आपके बेटे पोते मेरे भी बेटे पोते हैं, आपको मकान है मेरे भी मकान है, आपके शत्रु हैं मेरे भी शत्रु हैं, आपके शत्रु 4-5 होंगे, यहाँ पर शत्रुओं का ठाठ है, रोज 4-6 और नए पैदा होते हैं, इसलिए उस बात की चिंता करनी नहीं है। जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, जो कर लेंगे तो कर लेंगे, वापस जवाब दे देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन का एक आनंददायक मस्ती के साथ हर एक क्षण को जिए, एक एक क्षण को मस्ती के साथ जिए, हर क्षण को मस्ती के साथ जिए, ये हमारे जीवन का सौभाग्य होना चाहिए। बाधाएं तो आएंगी, बाधा आएंगी तो गुरु अपने आप दूर करेंगे। गुरु को हमने बनाया इसीलिए कि वो हमें रास्ता दिखाए, देवताओं को हमने बनाया इसलिए कि वो हमें ठीक करे, बाकी इनकी जीवन में जरूरत है ही क्या। इसलिए जरूरत है कि हम अपनी विपत्ति को कह दें, गुरुदेव ये समस्या है आपको ठीक करना है, वो अपने आप रास्ता बताएंगे तुम ऐसा करो, इसको गुरु कहते हैं।